चीनी से भी वशीकरण हो सकता है दोस्तों। चीनी को हम सभी चाय के अंदर पीते हैं, दूसरी मीठी चीज़ों के अंदर भी है चीनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तंत्र क्रियाओं में भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने हमारे घर के बाहर तोड़ा टोटका कर दिया था, उसके अंदर चीनी का प्रयोग किया हुआ था। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि किसने तोड़ा टोटका किया था। चीनी मीठी वस्तु होने की वजह से इसकी और भूत प्रेत में भी बहुत जल्दी आकर्षित होती है। चीनी से किस तरह से वशीकरण किया जाता है ये आपको मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने आप बारे में बता दूँ दोस्तों, मैं वीना गौतम, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस तरह के आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको देख के आप नौकरी के लिए, प्यार के लिए, घर में किसी के ऊपर कुछ जादू टोना किया हुआ है उसके ऊपर, वास्तु दोष के लिए, सब चीज़ों की ही वीडियो बनी हुई है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करके आप उन सभी वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको लाल कपड़ा लेना है, कपड़ा उपयोग किया ना हो, नया कपड़ा हो। इसके बाद उस कपड़े के ऊपर चीनी को डाल दें। इस कपड़े को आप अपने हाथ के अंदर पकड़ लेना है और मेरे बताए हुए जाप को आपने करना है। जाप को आपने कितनी बार करना है, मंत्र को 351 बार आपने इस मंत्र को जाप करना है। फिर चीनी को लेकर किसी भी निर्जन स्थान पर, निर्जन मतलब जहाँ पर कोई ना हो, चुपके से चींटियों को डालकर आ जाना है। आते समय किसी से बात नहीं करनी है, भगवान से काम पूरा होने की प्रार्थना अवश्य करनी होगी। मंत्र इस प्रकार है, कावेरी रिका नर्मदयो पवित्राहे समागमे। और जिस व्यक्ति को वश में करना है उसका नाम मैं वंशीयम भवंती। दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों। चीनी और पानी से वशीकरण करने के लिए आपको एक गिलास में पानी लेना है, उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल देनी है। इसके पहले आपने नाम को 3 बार लेना है जिसको भी आपने वश में करना है। इसके बाद आप उस व्यक्ति का 3 बार नाम लें जिस किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं। आपको ये काम जो है फ्राइडे की रात को 12 बजे करना है। इस क्रिया को केवल एकांत में ही करें, किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद आपको उस व्यक्ति की फ़ोटो लेनी है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। उस फोटो को आपने गिलास के चारों ओर लपेट दें और उस व्यक्ति को 15 मिनट तक ध्यान करें जिसको आप वश में करना चाहते हैं। बस फिर आपने भगवान से प्रार्थना करें और सुबह तक इस गिलास को जल को फेंक दें सुबह उठकर जो है। इस प्रयोग से वशीकरण करने के लिए आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसके अंदर 50 ग्राम चीनी लेनी है। इसके बाद उस चीनी को किसी मंदिर के अंदर रखकर, इस प्रयोग को से वशीकरण करने के लिए आपको एक काला कपड़ा लेना है और उसके अंदर 50 ग्राम चीनी डालनी है। उसके बाद उस चीनी को किसी मंदिर के अंदर रखकर आ जाना है। दूसरे दिन उसी चीनी का आप प्रयोग करते हुए चाय बनाकर उस व्यक्ति को पिला दें जिसको आप वश में करना चाहते हैं। यदि चाय पिलाना संभव नहीं है तो आप किसी और तरीके से उसको दे सकते हैं। इस प्रयोग को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। चौथा उपाय इस तरह से है, आप चीनी की मदद से किसी भी स्त्री का वशीकरण कर सकते हैं। यदि आप अपनी पत्नी को वश में करना चाहते हैं या अपनी प्रेमिका को वश में करना चाहते हैं तो ये तरीका बहुत उपयोगी है। इस तरीके का उपयोग करके आपको स्त्री की फ़ोटो, 4 कपूर की गोली लेनी है, सुंदर अपना पहना हुआ कपड़ा, 7 दाने चावल और चीनी का पानी लेना होगा। आप जिस स्त्री को वश में करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो के ऊपर लाल सिंदूर से सिंदूर लगा दें, लाल, और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ बांध देनी है। इसके बाद सबकी पूजा करने के बाद इस सामान को आपने सिराने रखकर सो जाना है और सुबह उठने के बाद नहा धोकर पहले नीचे मतलब मेरे बताए गए जाप को करें और उसके बाद चीनी के पानी को पी लें। उसके बाद वह स्त्री अपने आप आपके वश में हो जाएगी। जाप इस प्रकार है, मतलब मंत्र इस प्रकार है, ओम हम उस व्यक्ति का नाम जिसको वश में करना चाहते हैं, मैं वंशाय कुरुकुरु स्वाहा। ये मंत्र दोस्तों बहुत कारगर है और इस मंत्र को अवश्य करें हैं। पांचवा उपाय इस प्रकार है, इस प्रयोग को आपको शुक्रवार को करना है। आपको रात को एक
व्यक्ति की फोटो मतलब इसको वश में करना है और चीनी को रात को ही रख लेना है। सुबह उठने के बाद कामदेव मंत्र का 108 बार जाप करें, उसके बाद चीनी को गर्म करना है और रख देना है। ये क्रिया रात 7 दिन तक करनी है, इसके बाद आपको काम हो जाएगा आपका। पिसी हुई चीनी से भी वशीकरण होता है। आपको 1 गिलास के अंदर पानी लेना है, एक उसके बाद पान चीनी को राइट हैंड में लेना है और मुट्ठी बंद करके ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र को 108 बार जाप करना है। फिर एक दूसरे मंत्र को 21 बार बोलना है जो मैं बता रही हूँ। गिलास के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दें। इस तरीके से वशीकरण करने के लिए आप चाहें तो उस व्यक्ति को बाद में पिला दें। इसके लिए आपको चीनी की को किसी कागज़ के ऊपर डालकर सुरक्षित रख सकते हैं और आपको जैसे ही मौका मिले आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।